नेहा की पाकशाला में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी सिंपल और टेस्टी है। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करें अपनी रेसिपी। चलिए, रेसिपी सिंपल सी है। इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, 6 से 7 आलू ले लीजिए। बस इनको अच्छे से मैश कर लीजिए, एकदम से बारीक कर लीजिए। और इसमें अब हम ढेर सारी सब्जियां ऐड करेंगे। 1 कटोरी मैंने गाजर ऐड की इसमें, कैरेट, और 1 कटोरी इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ऐड की, और 1 कटोरी हमारा प्याज है, अनियन। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको सब साथ में। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा। चम्मच से थोड़ा सही नहीं मिक्स होता है, इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह हाथ से मिक्स होता है, वैसे स्पून से आप नहीं मिक्स कर पाते हैं। देखिए, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे पूरा। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये डाल दिया मैंने इसे। और डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम गरम मसाला। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली, और हल्का सा इसमें डाला मैंने हल्दी। 1 चुटकी आप हल्दी इसमें यूज़ कीजिए, ज़्यादा नहीं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके ना लॉलीपॉप कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने हाथ में थोड़े सा आलू लिया और इसमें बीच में एक चीज़ क्यूब रखेंगे। छोटा से छोटे छोटे क्यूब्स आप ले लीजिए चीज़ के, और उनको बीच में रख देंगे। और हमारी जो स्टिक होती है, आइसक्रीम स्टिक जो होती है, बस उसको बीच में ऐड करके इसे अच्छे से चारों तरफ से मिला के आपको जैसा शेप रखना है आप वैसा शेप रखिए। और बस ये तैयार हो गया। देखिए, तैयार हो रहे मेरे लॉलीपॉप। अब इन्हें ऐसे ही कर करके हम सारे तैयार कर लेंगे। और मैंने इसको 2 तरह से यूज़ किया। मैंने कुछ इसके लॉलीपॉप्स बनाए थे, और कुछ मैंने जैसे नॉर्मल आप टिक्की बनाते हो बीच में, उसमें भी मैंने चीज़ रखा और उसे टिक्की के शेप में फ्राई किया। चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाता है। और मैंने अब इसमें ना कॉर्नफ्लोर सूखा लिया, और उसको अपने लॉलीपॉप को उसमें अच्छे से चारों तरफ से लपेट लिया। इससे क्या होगा, जो क्रिस्पी बनेंगे हमारे लॉलीपॉप। ये देखिए, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने डीप फ्राई किया है। अगर आप इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे कम तेल में नॉन स्टिक पैन में रखिए, और थोड़ा थोड़ा तेल डाल के अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। अब ये हमारे अलट पलट के मैंने इसको फ्राई कर दिया था अच्छे से। देखिए, फ्राई हो रहे हैं ना। जैसे ये फ्राई किए थे मैंने, ऐसे ही मैंने टिक्की फ्राई की थी। ये देखिए, ये लॉलीपॉप मेरे फ्राई हो गए। अब मैं इन्हें निकालूंगी। बस अब मैंने इन्हें देखिए टिक्की के शेप में, तो आपको पता ही है कैसे बनेंगे। ये लॉलीपॉप शेप हो गया, और ये देखिए बीच में चीज़ इतना अच्छे से मेल्ट हो गया है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ गया था। अब कोई भी आ जाए तो आप कुछ नया ट्राई कीजिए, तो लॉलीपॉप टाइप में आप बना के आप नाश्ते में दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, टिक्की में भी मेरे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब आप इसे जैसे बनाना चाहें वैसे बनाइए, ट्राई कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे बनाया आपने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।